नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं उज्जैन के चमत्कारी गढ़कालिका माता के मंदिर, जहां सबकी मुरादें पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के काली घाट स्थित कालिका माता का प्राचीन मंदिर, जिसे गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है, देवियों में कालिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। गढ़कालिका के मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। कालिका जी के इस स्थान पर गोपाल मंदिर से सीधे यहाँ जाया जा सकता है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण गढ़ कालिका हो गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के आगे ही सिंह वाहन की प्रतिमा बनी हुई है। आसपास दो धर्मशालाएं हैं। इसके बीच में देवी जी का मंदिर है। मंदिर के कुछ अंश का जीर्णोद्धार ईस्वी सन 606 के लगभग सम्राट श्री हर्ष ने करवाया था। शक्ति संगम तंत्र में अवंती संज्ञा के देश कालिका तंत्र विष्ठति कालिका का उल्लेख है। वैसे तो गढ़कालिका का मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में महर्षि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजय होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्र सागर के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका वक्ष की शोध में निकली हुई उधर आ पहुंची और हनुमान जी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान जी ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी डर कर भागी। उस समय अंश गालित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात हुआ। इसी मंदिर के निकट स्थिर गणेश का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसी प्रकार गणेश मंदिर के सामने भी एक हनुमान मंदिर प्राचीन है। वही विष्णु की सुंदर चतुर्मुख प्रतिमा है। खेत के बीच में गोरे भैरव का स्थान भी प्राचीन है। गणेश जी के निकट ही थोड़ी दूरी पर शिप्रा की पुनीत धारा बह रही है। इस घाट पर अनेक सती की मूर्तियां हैं। उज्जैन में जो सतियां हुई उनका स्मारक स्थापित है। नदी के उस पार उखरेश्वर नामक प्रसिद्ध शमशान स्थली है। यहां पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौके अभी सावन के मौके पर लोगों द्वारा यज्ञ का आयोजन होता रहता है। माँ कालिका के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। धन्यवाद। Thank you.
हाँ वो है आप।